द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ हुन्नू रहमान। हमास ने इसराइल पर हमला कर दिया। हमास के इसराइल पर हमला करने के बाद ही इसराइल जो है वो दहल उठा। इसराइल में चारों तरफ भगदड़ मची हुई है। उसके बाद इसराइल ने भी गाजा पट्टी पर जवाबी कार्रवाई की। इसराइली सेना ने गाजा पट्टी में कई मासूमों की जान ली, कई मासूमों को निशाना बनाया, लगातार सिविलियंस पर बमबारी की, लगातार जो आम नागरिक हैं उन लोगों पर मिसाइलें दागी, उन लोगों के घरों पर मिसाइल रॉकेट से हमला किया, यहां तक कि उनका खाना पीना, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ जो है वो बंद कर दिया, जिसकी वजह से लोगों को और भी परेशानी होने लगी। लेकिन अब बात नेतन्याहू के पोते पर आई तो इसराइल की हवा निकल गई है। दरअसल इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ये दावा कर रहे हैं कि उनका पोता हमास के कब्जे में है, यानी कि उनका पोता, उनके पोते को हमास ने बंधक बनाया हुआ है बाकी इजरायली लोगों के साथ में। आपको बता दें कि हमास ने कई इजरायली लोगों को बंधक बनाया हुआ है और साथ ही लगातार मांग की जा रही है कि वो जो फिलिस्तीन के लोग इसराइल की जेल में बंद हैं उनको छोड़ दे, और इस तरह की बातें जो है वो लगातार कही जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर इसराइल जो है वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। इसराइल लगातार जो है गाजा पर बमबारी कर रहा है, लगातार सिविलियंस को निशाना बना रहा है। अब इस बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ये कहते हैं कि उनका पोता जो है, उनका जो ग्रैंड चाइल्ड है, जो उनका ग्रैंड सन है, वो हमास के कब्जे में है, यानी कि हमास ने उसे बंधक बनाया हुआ है। आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे हैं नेक्स्टा का। यहाँ पर उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनके भतीजे के बेटे को हमास ने बंधक बना रखा है, यानी बेंजामिन नेतन्याहू के भतीजे के बेटे को हमास ने बंधक बनाया हुआ है। इस तरह की बात जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू कर रहे हैं। न्यूज का सोर्स हम आपको बता दें नेक्स्टा, एक लार्जेस्ट ईस्टर्न यूरोपियन मीडिया न्यूज कंपनी है। इसके बायो में भी यही लिखा है और उसी के हवाले से हम आपको ये खबर बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उसके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने ये खबर जो है शेयर की है, ये जानकारी साझा की है, और उसी के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि उनके भतीजे के बेटे को हमास ने बंधक बनाया हुआ है। लगातार हमास की तरफ से इजराइल को कहा जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है कि वो गाजा शहर में आम लोगों पर बमबारी ना करें, आम लोगों के घरों पर मिसाइलों से हमला ना करें, आम लोगों को निशाना ना बनाएं। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जो है हम कई तरह की वीडियोस, कई तरह की खबरें और कई तरह की चीज़ें देख रहे हैं जिसमें इजराइल लगातार गाजा शहर में मासूमों को निशाना बना रहा है। कई तरह की खबरें आ रही हैं और इसी को लेकर कई देश उससे नाराजगी भी जता रहे हैं। यूएन भी इसे लेकर इसराइल को जो है वो चेता रहा है, चेतावनी दे रहा है, मना कर रहा है, निंदा कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इसराइल के कानों पर जू तक नहीं रेंग रहे। लेकिन अब बात अपने पोते की आ गई है, अपनों की आ गई है, अपने बेटे की आ गई है, तो यहाँ पर इसराइल जो है किस तरह से, देखिए किस तरह से छटपटाने लगा है, ये अब सबके सामने है। इसी के साथ इसराइल और हमास के बीच जो युद्ध जारी है उसे लेकर क्या अपडेट आ रही है, अब तक क्या कुछ हो गया है, क्या चीजें सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि इसराइली सेना जो है वो गाजा में घुस चुकी है और हमास के जो ठिकाने हैं उन्हें निशाना बना रही है, हथियार भी उनके नष्ट कर रही है। कुछ अपडेट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है कि गाजा पट्टी में घुसी इसराइली सेना, कहा आतंकवादियों से लड़ने और हमास से बंदूकों को छुड़ाने के लिए ये ऑपरेशन जो है वो चलाया है। तो यहाँ पर इजरायली सेना जो है वो अपने बंदूकों को छुड़ाने का ऑपरेशन चला रही है। हमास ने जो उनके लोगों को बंधक बनाया हुआ है उनकी यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ लिखा है इजरायल की सेना ने बताया कि स्पेशल फोर्स के जवान गाजा पट्टी में दाखिल हो गए हैं और उन्होंने हमास से बंदूकों को छुड़ाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया है। और यहाँ आपको बता दें कि इजरायली हमले में 70 लोगों की मौत हो चुकी है। न्यूज एजेंसी एपी के अनुसार हमास ने बयान जारी कर कहा कि गाजा छोड़कर निकल रहे काफिलों पर इजरायली हवाई हमला किया गया है, इसमें 70 लोगों की मौत हो गई जिसमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं। आपको यहाँ पर बता दूं कि ये गाजा छोड़कर लोग क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इजरायल ने कल ही चेतावनी दी है कि 24 घंटे के अंदर जो है यहां से छोड़कर दूसरी जगह चले जाओ, क्योंकि यहां पर इसराइल जो है वो जमीनी हमले करने की लगातार चेतावनी दे रहा था और जाते हुए लोग, जो लोग अपना घर छोड़कर जा रहे हैं उनके काफिलों पर भी, यहां पर जो है हमास ने बयान जारी किया कि उनके काफिलों पर भी जो है वो हमले किए जा रहे हैं। अब यहां पर लिखा है
न्यूज एजेंसी एपी के ही अनुसार गाजा पट्टी के अंदर घुसकर सेना बंधक बने लोगों को खोज रही है। आईडीएफ ने कहा, सैनिक से लड़ने, हथियारों को नष्ट करने और लापता बंधकों के बारे में सबूत खोजने के लिए हम गाजा में घुसे हैं, लेकिन गाजा में घुसने के बाद क्या हो रहा है ये आप सबके सामने है। वहीं आपको बता दें कि न्यूज एजेंसी एपी के अनुसार इजरायली सेना पहली बार गाजा पट्टी के अंदर घुसी है। आईडीएफ ने कहा कि सैनिकों ने कई लोगों को मार गिरा दिया, जिसमें हमास सेल भी शामिल है। हमास ने इसराइल पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें लॉन्च की थी। आईडीएफ ने कहा कि क्षेत्र को खाली करने और लापता इसराइलियों का पता लगाने के लिए पैदल सेना ने गाजा पट्टी में प्रवेश किया है। हमें लापता और बंधक बने लोगों को खोजना है और हम उन्हीं को खोज रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इसराइल हमास के बीच भारत में ईरान के राजदूत एनआई से कहते हैं कि ये घटना फिलिस्तीनियों के उत्पीड़न की प्रतिक्रिया थी। हमास के हमले में ईरान की कोई भूमिका नहीं है, हमास अपने दम पर ऐसा कर सकता है। वहीं रूसी राष्ट्रपति ने इसराइल की निंदा की है। यहाँ पर लिखा है द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हमास के हमलों के जवाब में इसराइल की कार्रवाई को आलोचना की है। उन्होंने कहा कि वहां 2 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं, महिलाओं और बच्चों को कष्ट सहना पड़ रहा है। वहीं 11 फिलिस्तीनियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये बयान जो है फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय खुद जो है इस बयान को कह रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि शुक्रवार को इसराइल के फोर्स ने वेस्ट बैंक में 11 फिलिस्तीनियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों के बीच जो है वो जंग जारी है और इस जंग में कई लोगों की जानें भी जा रही हैं। इस बीच इसराइल जिस तरह से लगातार गाजा शहर पर कहर बरसा रहा है, इसकी निंदा हो रही है, क्योंकि इसराइल ना सिर्फ वहां पर अटैक कर रहा है बल्कि इसराइल पर यह भी आरोप है कि उसने वहां पर सफेद फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया है जो इंसानों के लिए बेहद ही खतरनाक होता है। साथ में वहां पर इसराइल ने गाजा शहर के लोगों के लिए तमाम बिजली, ईंधन, खाने पीने की व्यवस्था जो है वो ठप कर दी है और वहां तक कोई भी जो है मदद पहुंचने नहीं दे रहा है। वहीं आपको बता दें कि गाजा के लोगों के लिए तेहरान में बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। कई जगह जो है फिलिस्तीनियों के समर्थन में प्रदर्शन भी जो है वो देखे गए हैं, चाहे आप वॉशिंगटन डीसी की बात कर लीजिए, बेल्जियम की बात कर लीजिए, लंदन की बात कर लीजिए, कई जगह जो है वो फिलिस्तीनियों के समर्थन में जो है वो प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। वहीं यहाँ पर लिखा है कि अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक हजारों लोग उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की ओर जा रहे हैं। गाजा के उत्तरी और मध्य क्षेत्रों से हजारों लोग पैदल अपनी कारों से दक्षिणी गाजा की तरफ जा रहे हैं। इसराइल ने उत्तरी गाजा में रह रहे करीब 11 लाखों को जगह छोड़ने की चेतावनी दी है। इसराइल ने बॉर्डर पर भारी संख्या में आईडीएफ के टैंकों की तैनाती की है। यहाँ पर हमने आपको बताया था कि इसराइल ने जो है उन लोगों को चेतावनी दी है कि वो 24 घंटे में यहाँ से घर जो है वो खाली कर दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? अब जब बात अपने पोते पर आई है तो नेतन्याहू छटपटा रहे हैं। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कॉमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।